बेटी पैदा होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई। बेटी पैदा होने पर घर से निकाल दिया। महिला शिकायत लेकर लोहिया नगर थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला SSP कार्यालय पहुंची, प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इंचौली क्षेत्र के फिटकरी निवासी विवाहिता आबिदा ने बताया कि 4 साल पहले उसकी शादी लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी निवासी अयाज पुत्र अब्दुल शमी के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने दान दहेज भी दिया था। शादी के 1 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ। ससुराल में रहकर वह सभी काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बेटी होने के बाद ससुराल पक्ष उसके पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं। एक दिन उसने अपने पति को एक अन्य लड़की के साथ पकड़ लिया और परिजनों को बताया तो उसके पति अयाज, सास इदन, ससुर अब्दुल शमी नंद सोनी ने विवाहिता के साथ कई दिन तक मारपीट की। साथ ही विवाहिता ने आरोप लगाया कि जेठ भी ससुराल वालों को लगातार तलाक देने के लिए उकसाता रहता है। 8 दिन पूर्व उसके पति ने उसे मारपीट कर बच्ची सहित घर से निकाल दिया और तलाक देने और ना देने पर अंजाम भुगत लेने की धमकी दी है। महिला का यह भी आरोप है कि पति उससे मायके से स्विफ्ट डिजायर कार लाने की मांग करता है। कहाँ से आई हो आप? जी, मैं ग्राम फिटकरी से आई हूँ। SSP ऑफिस आई हूँ, क्या मामला? SSP ऑफिस आई हूँ। ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड मिलके मुझे परेशान करते हैं, उसी के लिए मैं आज 4 साल में थक हार के यहाँ पे आई हूँ। किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? दहेज को लेके, जब से बेटी पैदा हुई है तब से, और वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और लेडीज़ वगैरह सब रूम पे लेके आ चुके हैं। मेरी वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं। वो ये कहते हैं अगर तूने मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करी तो मैं तेरी रिकॉर्डिंग वगैरह सबको सुनाऊँगा। मुझे मजबूर करते हैं लिखने के लिए कि मुझे छोड़ ऐसे ऐसे बोलते, और सारा परिवार उनका मिला हुआ है। मेरी बच्ची हुई है तब से ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा है, ये ला के दे, वो ला के दे। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, करी थी आपने? जी, मैंने थाने में शिकायत करी। थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना कौन सा लगता है आपका? लोहिया।